तो दोस्तों आप जो देखिए वीडियो में फोन देख पा रहे हैं, ये ओप्पो का फोन है और इसका मॉडल है ओप्पो A55। और दोस्तों ये ओप्पो का 4G मोबाइल है, ठीक है। ओप्पो के दो फोन आते हैं, एक 5G और एक 4G, ये 4G फोन है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी यदि आपके ओप्पो के फोन के अंदर चार्जिंग प्रॉब्लम होती है या चार्जिंग नहीं चलती है और आपको उसका चार्जिंग प्लेट जो है वो चेंज करना पड़ जाए, तो आप किस तरीके से ओप्पो A55 फोन के अंदर चार्जिंग प्लेट पुराना निकाल करके नया लगाएंगे, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर मिलने वाली। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना। और दोस्तों यदि आप मोबाइल मैकेनिक है यानी कि आपकी मोबाइल की शॉप पर मोबाइल रिपेयर करते हैं, तो भाई आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर वॉच करना। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस फोन को खोलेंगे, ठीक है। ये फोन हमारा 3 पार्ट में होता है, तो हमें सबसे पहले इसका बैक जो कवर है ये उतारना है, उसके बाद इसका रिंग जो लगा हुआ है उसके ऊपर आपको स्क्रू यानी पेच लगे मिलेंगे, तब उन्हें खोलेंगे, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों ये ज़्यादा हार्ड लगा हुआ है, यदि आपसे नहीं छूट पा रहा है तो आप या तो SMD लेकर के थोड़ा थोड़ा से चारों तरफ से हीटिंग कर लेंगे, गर्म कर लेंगे जिससे कि आसानी छूट जाए, या फिर आप सेपरेटर मशीन पर रख करके पीछे छुटा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसे सेपरेटर मशीन पर रख लिया था और अभी मैं इसका बैक यहाँ से ये हटा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों जब तक मैं फोन को खोलता हूँ तब तक प्लीज़ यदि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। रखना जब आप यहाँ से खोलें जहाँ पर इसका ऑन ऑफ की लगा हुआ है, तो आप यहाँ से इसे ध्यान से खोलना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता लगा रहता है, वो ना कट जाए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे खोल दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इसके स्क्रू लगे मिलेंगे, ये स्क्रू हमें खोलने हैं, ठीक है। स्क्रू खोलने के बाद ही हम इसकी चार्जिंग प्लेट निकाल सकते हैं, तो पहले हम इन्हें खोल लेंगे। देखिए ये यहाँ से टूटा हुआ है, इसका रिंग जो है टूट रहा पहले से ही, जो कस्टमर देकर गया है। और आप ये सभी स्क्रू खोलने के बाद, तो दोस्तों हमें इसे पूरा नहीं खोलना है यहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ चार्जिंग प्लेट ही चेंज करनी है यहाँ से, तो हम यहीं के स्क्रू खोल लेंगे, ठीक है। फिर हम हाफ इसको क्रोम को यहाँ से यानी जो रिंग है इसे उठा देंगे, ये टूटा हुआ आपका साबित होगा, ठीक है। इस तरीके से उठाने के बाद आप आसानी से इस तरीके से पकड़ लेना, और इसकी यहाँ पर आपको रिंगर डब्बी लगी मिलेगी, आप रिंगर डब्बी को आसानी से यहाँ से उठा सकते हैं। हमें यहाँ के इसकी रिंगर डब्बी निकालनी है, ये वाली, तो ये रिंगर डब्बी हमने निकाल दी, ठीक है। अभी ये है हमारा चार्जिंग पत्ता जो हमें चेंज करना है, अब हम इसे निकालेंगे, तो इसमें यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग का सेंटर पत्ता रहता है वो यहाँ पर लगा मिलेगा, हम इसे यहाँ से हटाएंगे आराम से, ठीक है। फिर हम यहाँ से नेटवर्क वायर भी हटाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से हटाने के बाद अभी हम इसकी प्लेट को निकाल लेंगे, जो हमारा चार्जिंग बोर्ड है ये वाला, इसे हम निकाल लेंगे, निकाल दिया, ठीक है। ये तो हमारा ओल्ड वाला है, और देखिए जो मैं नया लेकर के आया हूँ, अभी मैं मार्केट से ये वाला नया लेकर के आया हूँ, मैं इसे इसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो भी ये नया वाला हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम रिंग को थोड़ा ऊपर करके पकड़ेंगे इस तरीके से, और ऊपर पकड़ने के बाद आप चाहें यदि आपसे आसानी से नहीं हो पा रहा है तो आपको ये स्क्रू खोलने ऊपर वाले और रिंग बिल्कुल अलग हट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से कर सकता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने हाफ ही खोला है इसे। अब ये हमारी चार्जिंग प्लेट है, हम इसे इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमें चार्जिंग प्लेट लगाई, और अब हम यहाँ से जो सेंटर पत्ता है इसे कनेक्ट करेंगे इसके अंदर, और चार्जिंग पत्ता कनेक्ट करने के बाद जो हमारी नेटवर्क वायर है हम उसे भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी नेटवर्क वायर कनेक्ट होगी, देख लेना, ये हम इसे इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेटवर्क पत्ता भी हमने, नेटवर्क वायर भी हमने कनेक्ट कर दिया, और चार्जिंग पत्ता भी। अभी हम नेटवर्क वायर को सही से एडजस्ट कर देंगे जहाँ पर लगता है, देखिए यहाँ पर लॉक बना मिलेगा इसका, इसमें हम लगा देंगे, और एक लॉक हमें पीछे मिल सकता है, ये रहा यहाँ पर, इसमें लगा देंगे, ये देखिए लगा दिया। अभी हम नेटवर्क वायर को सही करके यहाँ पर रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसे नेटवर्क वायर को सही करके नहीं रखेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फिट नहीं होगी, तो आपको नेटवर्क वायर सही से रखना है। उसके बाद जो आपने यहाँ पर रिंगर डब्बी इसकी निकाली थी उसे लगाएंगे, ये वाली, तो अभी हम यहाँ पर रिंगर डब्बी लगा देंगे, ये लगा दिया। अब हम उसके बाद जो हमारी क्रोम है इसे सही से यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। सेट करने के बाद
अभी हम इसके स्क्रू लगा देंगे, जो हमारे स्क्रू पेच है हमने खोले थे वो सभी लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर रिंगर डब्बी भी लगा दी और कुछ स्क्रू भी लगा दी है। अभी चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर चार्जिंग चलती है या फिर नहीं। तो अभी दोस्तों देखिए हम यहाँ पर चार्जर लगाते हैं इसके अंदर, चार्जर कनेक्ट करेंगे, ये देखिए अब देखते हैं चार्जिंग आती है या फिर नहीं। और ये देखिए दोस्तों लाइट जो डिस्प्ले की अपना आप जल चुकी है और इसके अंदर चार्जिंग भी चल गई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको चार्जिंग का सिंबल नज़र आ जाएगा। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर चार्जिंग चल चुकी है, इसका मतलब है जो हमने इसका चार्जिंग प्लेट चेंज किया था वो अच्छे से चेंज हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप ओप्पो A55 की चार्जिंग प्लेट को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से ऐसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।